Yes, we started with bookkeeping and accountancy. Is nothing but हिसाब किताब रखना, किसका business का हिसाब किताब रखना. तो भाई हमने देखा business क्या होता है. Business is nothing but any activity which is being performed continuously by a person or a group of person with an intention of earning profit. ठीक है, profit क्या होता है, जब मैं 100 रुपए की चीज 120 में बेचता हूँ तो उसको बोलते हैं profit, और वही 100 रुपए की चीज अगर मैं 80 रुपए में बेचता हूँ तो उसको बोलते हैं loss. Any excess of income over expenses during the accounting year. कल हमने अकाउंटिंग ईयर भी देखा, फाइनली मैंने आपको इसका बोला था अकाउंटिंग ईयर हम बाद में देखेंगे, हमने कल देख लिया फाइनली. तो एनी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड प्रॉफिट, एनी एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड लॉस. ठीक है, ओके. इनकम इज नथिंग बट आमदनी जो आप अलग अलग तरीके से कमा सकते हो. आप अपने गुड्स को बेच के आमदनी कमा सकते हो, सर्विस रेंडर करके आमदनी कमा सकते हो, या कोई चीज भाड़े पे देके आमदनी कमा सकते हो. इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये भी सारी आमदनी के प्रकार ही होते हैं. कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, इनकम कमाने के लिए खर्चा करना पड़ता है. एनी अमाउंट पेड फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव बाय द बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर. देयर आर डेफिनेटली वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम, लेकिन हम बाद में देखने वाले हैं वो. ठीक है, वक्त आने पर जरूर देखेंगे सब. गुड्स मतलब क्या, माल, स्टॉक, इन्वेंट्री, ऐसा आइटम क्या, कमोडिटी जिसमें बिजनेस वाला डील करता है. कैसा डील करता है, आइदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग या फिर परचेसिंग एंड सेलिंग. मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग को बोलते हैं प्रोडक्शन, एंड परचेसिंग एंड सेलिंग को बोला जाता है ट्रेडिंग. ये गुड्स जो है वो अपने लिए वो यूज नहीं करता है, बेचने के लिए यूज करता है, बेचता है और उसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है. ये सारे गुड्स उनके लिए गुड्स होते हैं, मेरे लिए फर्नीचर, मेरे लिए कपड़े, मेरे लिए बुक्स, उनके लिए सब माल रहता है. ठीक है, ओके. गुड्स के बाद देखा था सर्विसेस. गुड्स और सर्विसेज मतलब क्या, एक ऐसा एफर्ट या एक्शन जो डाला जाता है टू सेटिस्फाई अ नीड और फुलफिल अ डिमांड. मेरा डिमांड है कुछ, मेरा लाइट चला गया है, मैंने लाइट वाले को बोला ठीक कर दे लाइट, उसने कुछ अपनी एक्सपर्टाइज यूज की और लाइट ठीक कर दी. ओके, मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डिमांड बोलता हूँ, नीड बोलता हूँ, मुझे ठीक कर दो, वो ठीक कर देता है मुझे. वैसे ही अपनी संध्या बिंदनी स्माइल करके सबको ठीक कर देती है, और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो रिटर्न भर के रिटर्न भरता है, वर्कर्स जो है वो काम करते हैं और मेरा बिल्डिंग बना के देते हैं. ठीक है, एफर्ट्स, ट्रांजैक्शन, व्यवहार, दो लोगों में मिनिमम व्यवहार होता है. वैल्यू ऑन द स्पॉट भी सेटल हो सकती है, नहीं भी हो सकती है. अगर ऑन द स्पॉट सेटल होती है तो उसको बोलते हैं हम कैश ट्रांजैक्शन. क्या बोलते हैं उसको हम, कैश ट्रांजैक्शन. वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल होना मतलब कैश भी चलेगा, डेबिट कार्ड भी चलेगा, क्रेडिट कार्ड भी चलेगा, नेट बैंकिंग भी चलेगा, पेटीएम भी चलेगा, चेक भी चलेगा. ठीक है, मॉनिटरी ट्रांजेक्शन में कैश ट्रांजेक्शन, ऐसा ट्रांजेक्शन जो मनी और मनी वर्थ में डिफाइन किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, उसको बोलते हैं हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन. जिसका व्यवहार का वैल्यू ऑन द स्पॉट सेटल नहीं होता है, मतलब उसको बोलते हैं तुला माझ्यावर भरोसा नहीं का, तो वो बोलेंगे है माला तुमच्यावर भरोसा, हम आपको इसके पैसे बाद में दे देंगे. क्रेडिट ट्रांजेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पोस्टपोन, पेमेंट इज बीन पोस्टपोन लेटर ऑन. ठीक है, ये ऐसे ट्रांजेक्शन जो सारे के सारे होते हैं ट्रांजेक्शन, मॉनिटरी ही होते हैं, लेकिन मेरा इससे कुछ बिजनेस से लेना देना नहीं है, तो सारे के सारे पर्सनल ट्रांजेक्शन है, तो हमारे बुक्स में एंट्री नहीं होती है, हमारे बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होती है. बिजनेस के बुक्स में आप पर्सनल अपने बुक्स में रिकॉर्डिंग कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं होगी. नेक्स्ट, ये सारे के सारे मेरे बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ये सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे मेरे बिजनेस में, मतलब इन सबका हिसाब किताब रखा जाएगा, पर्सनल ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा बिजनेस में. ये सारे के सारे बारटर ट्रांजेक्शन पहले गुड्स के बतौर गुड्स देते थे जब करेंसी नहीं थी, आजकल वैसे ट्रांजेक्शन होते नहीं है. अगर ऐसे होते हैं एंड दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी तो रिकॉर्ड होंगे, अगर इफ इट इज नॉट बीन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी तो रिकॉर्ड किए ही नहीं जा सकते हैं. ये सारे के सारे लोग है प्रोप्राइटर, अकेले दुकानदार जो काम कर रहे हैं बिजनेस में, अकेला ही फैसला लेते हैं, अकेले ही भांडवल लाते हैं कैपिटल में, अकेला ही प्रॉफिट बेयर करते हैं, अकेला ही लॉस पूरा बेयर करते हैं, अकेला ही दुकान खोलते हैं, अकेले ही बंद करते हैं, पूरा कंट्रोल इनके ऊपर है, पूरी एक्सपर्टाइज इनकी है, तो इनको बोलते हैं हम प्रोप्राइटर, इनको बोलेंगे हम प्रोप्राइटर. तो अज्यूम करो अगर आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हो और आप प्रोप्राइटर हो तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी. अज्यूम करो आप प्रोप्राइटर और आप नया बिजनेस चालू कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजों की जरूरत लगेगी. सबसे पहले आपको लगेगा कैश जो आपके तिजोरी में हो, या फिर आप बैंक अकाउंट खोलने जाओगे ICICI बैंक के पास, जो हमेशा रिश्ते बनाती है, और स्पेसिफिकली वो लेडी जो है ना वो तो सबसे ज्यादा रिश्ते निभाती है. ठीक है, सबसे अच्छे रिश्ते, स्माइल करके ना सबसे रिश्ते निभाती है. ठीक है, ओके. और
ये है कैश। कैश लाती है, कैश जो भी हम कैश लाते हैं बिजनेस में या जो भी हम बैंक अकाउंट में पैसा लाते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के पहले, तो उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको हम? कैपिटल। व्हेनेवर एनी प्रोप्राइटर स्टार्ट्स द बिजनेस ही विल ब्रिंग कैश इनटू द बिजनेस। द अमाउंट व्हिच ही ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस इन द कैश बॉक्स और डिपॉजिटिंग द मनी इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, दैट मनी इज कॉल्ड कैपिटल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? एनीथिंग और एवरीथिंग यू ब्रिंग इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या मैं बोल सकता हूँ? एनीथिंग और एवरीथिंग विच यू ब्रिंग इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। यस, इट्स कॉल्ड कैपिटल। ओके, इस कैपिटल से आप है ना कोई जगह खरीदोगे अपने बिजनेस के लिए, आप फर्नीचर खर्चा करोगे, फर्नीचर लोगे, इक्विपमेंट्स लोगे, कंप्यूटर लोगे, चेयर्स लोगे कस्टमर को बिठाने के लिए, आप स्टॉक भरोगे उस बिजनेस में, और आपके पैसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, लेकिन है अभी भी आपके पास पैसे। ठीक है, तो ये सारे हो जाते हैं, ये आप मालिक हो उसके, जगह का मालिक आप हो, फर्नीचर के मालिक आप हो, कंप्यूटर के मालिक आप हो, टेबल कुर्सियों के मालिक आप हो, इस कैश के भी मालिक आप हो, इस माल के भी मालिक आप हो, तो इसको बोला जाता है एसेट्स। क्या बोला जाता है इसको हम? एसेट्स। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच इज ओन्ड बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड अ एसेट। जो भी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड ओन्ड बाय द बिजनेसमैन इज कॉल्ड एसेट। कल हमने डिस्कस किया था, मैंने जगह खुद खरीदी है, मैं मालिक हूँ, मेरा एसेट, मेरी जगह नहीं है, मैं बिजनेस चला रहा हूँ लेकिन भाड़े की है, तो भाड़े की जगह इज नॉट एन एसेट टू मी, भाड़े की जगह इज नॉट एन एसेट टू मी, कल बताया था मैंने आपको। ठीक है, मेरे पास अभी दुकान चालू किया, जगह ले ली, इक्विपमेंट्स ले लिए, फर्नीचर ले लिया, अब स्टॉक के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं मुझे, स्टॉक के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं मुझे। सपोज यू डोंट हैव एनी सफिशिएंट कैश टू बाय शॉप, प्रीमाइसेस, गुड फर्नीचर, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे वही आईसीआईसीआई वाले के पास और उसको बोलेंगे आपने हमेशा रिश्ते निभाए तो प्लीज मुझे पैसे दो। ओके, या फिर उसने अगर कम पैसे दिए तो आप दोस्तों से पैसा मांगोगे, रिलेटिव से पैसा मांगोगे, जो बड़े बड़े पैसे वाले बंदे हैं, बच्चे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनसे आप पैसे मांगोगे। अगर नहीं तो आपके मार्केट में ये दोनों तो सहकार्य करने के लिए हमेशा रेडी है, सोनू और अप्सरा, वो आपको गुड्स दे देंगे, क्रेडिट पे आप उनको बाद में पैसे दे सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके क्या होते हैं? लाइबिलिटीज। क्या होते हैं ये? लाइबिलिटीज। इनको कभी ना कभी आपको पैसे देने पड़ेंगे, ये आपके सर पे बैठे हुए हैं, बोझा है आपके, ये लोन आपने लिया है, एक सर पे एक बोझा है, कंधे पे एक बोझा है, आपको कभी ना कभी ये देने पड़ेंगे पैसे, लाइबिलिटी है। तो इन शॉर्ट क्या मैं बोल सकता हूँ? बैंक लोन एक लाइबिलिटी है। बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ? बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है, यस और नो? यस। उसके बाद क्या मैं बोल सकता हूँ? लोन फ्रॉम फ्रेंड्स और रिलेटिव्स इज अ लाइबिलिटी, यस। क्या मैं बोल सकता हूँ? इन दोनों लोगों से जो मैंने माल खरीदा हुआ है इनको कभी ना कभी इसके पैसे देने पड़ेंगे, क्या ये मेरी लाइबिलिटी है? हाँ सर। एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू अदर्स इज कॉल्ड लाइबिलिटी। इट इज अ डेब्ट और अमाउंट ड्यू टू अदर्स टू द फॉर द बेनिफिट रिसीव बाय द बिजनेस यूनिट। इसका लाभ मुझे बिजनेस को हुआ था, जब मैंने लोन लिया तो मेरे को 6 लाख रुपए मिले, इसका बिजनेस में लाभ मिला है, लेकिन कभी ना कभी ये 6 लाख मुझे लौटाना पड़ेगा विद इंटरेस्ट, तो वो मेरा लाइबिलिटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, आपकी तिजोरी में पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन अभी आपको ये पैसों की जरूरत आपके घर के लिए लग रही है, घर में आपको घर को घर खर्च देने के लिए आपको लग रहे हैं पैसे, आपके बच्चों के फीस देने हैं, आपको वाइफ को है ना कुछ पॉकेट मनी देने का है, आपको अपने बच्चों को पॉकेट मनी देने का है, तो आप क्या करोगे? इसमें से पैसे निकालोगे। तो जब आप इसमें से पैसे निकालोगे पर्सनल यूज के लिए, वापस बोल देता हूँ, जब आप इसमें से पैसे निकालोगे पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोला जाता है क्या? बताओ, लिखो लिखो, कल जिसको याद है बताओ उसको क्या बोला जाता है? आप ड्रॉवर में से पैसे निकाल रहे हो तो उसको क्या बोला जाता है? कम ऑन, टेल मी। कल आपको मैंने बताया था, यस, इसको क्या बोला जाता है? अरे जवाब नहीं आ रहे मेरे को, जवाब नहीं आ रहे हैं, व्हाट इज दिस? यस, एब्सोल्युटली राइट, आ गए, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स, एब्सोल्युटली राइट, बहुत जनों ने जवाब दे दिया, दैट्स वंडरफुल, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। If a owner withdraws any money or goods or assets from the business for his personal use, सुनो, कल मैंने और एक चीज नहीं बताई, आगे आपको बताता हूँ। आप अगर पैसा business में से निकाल रहे हो तो उसको drawings बोला जाता है। Suppose मेरी bag की दुकान है, bag की, मेरी bags की दुकान है, और मेरी बच्ची को मेरे ही दुकान से bag लेनी है, मेरी बच्ची को मेरे ही दुकान से bag लेनी है, मेरे पास 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 स्टॉक है, बहुत अलग अलग बैग्स के 10,000 स्टॉक है, अलग अलग प्रकार के। तो मैंने अपने बच्ची को बोला, बेटा तू मेरे दुकान पे आ जाना, तेरे को जो भी बैग पसंद आ रही है तू लेके जाना, ठीक है?
तो क्या मैं बच्ची से पैसा लूंगा, क्या मैं अपनी बच्ची से पैसा लूंगा, यस और नो, क्या मैं अपनी बच्ची से पैसा। आई होप नाउ यू आर एबल टू हियर मी, आई होप यू आर नाउ यू आर एबल टू हियर मी, यस दैट्स फाइन, ओके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास है ना 10,000 बैग्स का स्टॉक है, 10,000 बैग का स्टॉक है, और मेरी बच्ची मेरी दुकान से ही आके, मेरी बच्ची मेरी ही दुकान से आके एक बैग लेके गई, तो आप बताओ मेरे पास स्टॉक कितना रहेगा? मेरे पास स्टॉक 10,000 रहेगा कि 9,999 रहेगा? बताओ मेरे पास स्टॉक कितना रहेगा, 10,000 के 9,999? कम ऑन, टेल मी मेरे पास अभी स्टॉक कितना रहेगा? सर 9,999 रहेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या मैं ये एक बैग जो मेरी बच्ची लेके गई, तो क्या मुझे उसकी रिकॉर्डिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि मुझे अपने बिजनेस में बच्ची जो लेके गई है ये एक बैग, तो क्या मेरे बुक्स में रिकॉर्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना? करना चाहिए सर, नहीं तो आपका स्टॉक गलत दिख जाएगा। तो बच्चा लोग बताओ, इसमें क्या मैंने अपनी बच्ची को पैसे दिए क्या मैंने बैग दिया? क्या मैंने ये बच्ची को पैसे दिए क्या बैग दिया मैंने? सर बैग दी। तो ये बैग क्या है, ये बैग क्या था? ये गुड्स थे ना, बैग मेरे गुड्स है ना, यस। तो आपने अगर गुड्स भी विड्रॉ किए ना, तो उसको भी हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं, ठीक है? यही मैं को आपको बताना था। अगर आपने कैश निकाली बिजनेस में, उसको भी ड्रॉइंग बोलते हैं। आपने अपने ही दुकान से कोई माल अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है या निकाला है, तो उसको भी हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्लियर? यस एवरीवन, क्लियर? तो सर, तो आप ड्रॉइंग्स में अमाउंट कैसे डालोगे? मुझे मालूम है क्या अमाउंट है, मुझे मालूम है मेरी ये बैग कितने में पड़ी है, 500 रुपए में पड़ी है। मैं 500 रुपए का माल कम करके घर पे लेके जा रहा हूँ, मैं 500 रुपए की ड्रॉइंग का रिकॉर्डिंग करूंगा। कितना करूंगा? 500 रुपए का। क्लियर? सेलिंग प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस पे। यही 500 रुपए की बैग मैं 800 रुपए में अगर बेचता था, तो मैं 800 रुपए नहीं, मैं बच्ची के साथ मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, मैं बच्ची का या घर वालों के साथ मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा मैं, ठीक है? मैं अपने कॉस्ट प्राइस से ही उसको मैं दिखा दूंगा, कॉस्ट प्राइस से। क्लियर यहाँ तक? तीसरी चीज, सपोज तीसरी चीज, एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, और एक चीज बताता हूँ, ठीक है? ओके, आपके दुकान पे और एक है, इसमें ड्राइंग में तीन चीजें, मैंने कल आपको सिर्फ दो, सिर्फ कैश बताई थी, आज मैंने आपको माल बताया, तीसरी और एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? सुनो ध्यान से। आपके दुकान पे आपने एक सीसीटीवी के लिए 50 इंच की टीवी ली थी, सीसीटीवी मॉनिटर करने के लिए 50 इंच की टीवी ले ली थी, जो आपके काउंटर के सामने होती है, ठीक है? आपके काउंटर के सामने होती है, ठीक है? ओके, अब ऐसा हो गया कि आपके घर में टीवी खराब हो गई है बहुत बुरी तरह। अभी लॉकडाउन का पीरियड चालू है, सबको टीवी चाहिए, और नई टीवी आपको नहीं मिल रही थी। आपने पहले वो टीवी कहाँ रखी है? दुकान पे। तो बताओ, दुकान के नजरिए से बोलो, क्या वो टीवी एसेट है क्या नहीं? बताओ, यस और नो। दुकान के नजरिए से बोलो, क्या वो टीवी एसेट है क्या नहीं? दुकान के नजरिए से
एसेट है क्या? नहीं, यस एसेट है, एसेट है। हाँ सुनो, अभी लॉकडाउन का पीरियड है, लॉकडाउन का पीरियड है और आपके घर का टीवी बिगड़ गया, कोई रिपेयरिंग के लिए आने के लिए रेडी नहीं, नई टीवी भी नहीं मिल रही है, ठीक है, और आपके घर वाले भी बहुत बोर हो रहे हैं, आपके घर वाले बहुत बोर हो रहे हैं, फिर आपको दिमाग में ये आया कि क्यों ना मैं दुकान की वो टीवी लेके घर में रखूं, क्यों मैं वो दुकान की टीवी घर पे रखूं। पहले दुकान में वो टीवी किसके लिए काम में आती थी बताओ? सीसीटीवी का देखने के लिए। तो क्या मैं बोल सकता था वो टीवी बिजनेस पर्पस के लिए था? क्या मैं बोल सकता हूँ ये टीवी बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता था? यस और नो बताओ, टेल मी। क्या पहले टीवी वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता था? यस। अभी ये टीवी अगर मैं निकाल के घर में लेके आता हूँ, अभी ये टीवी परमानेंटली मैं वापस दुकान पे नहीं डालूंगा, मैं जब लॉकडाउन खुलेगा मैं नई टीवी बाद में देख लूंगा। तो अभी क्या ये दुकान की टीवी मैं घर में लाता हूँ तो घर में क्या बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा क्या पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? बताओ, क्या ये टीवी अभी बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा क्या पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा? पर्सनल। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ अभी आई हैव टेकन एन एसेट फॉर पर्सनल यूज? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि आई हैव टेकन एन एसेट और विदड्रॉन एन एसेट फॉर पर्सनल यूज? यस। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये मेरी ड्रॉइंग्स है? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ये मेरी ड्रॉइंग्स है? यस और नो? यस। तो आपको मैंने तीन एग्जांपल्स बताया। पहले जब आपकी बीवी या आप जन जा रहे थे दुकान पे और आप पॉकेट मनी मांग रहे थे अपने पप्पा से, पप्पा ने तिजोरी में से पैसे निकाल के आपको दे दिए, वो आपकी वो बिजनेस की ड्रॉइंग्स कैश में, ठीक है। दूसरा मैंने एग्जांपल बताया, मेरी बच्ची आई और मेरी दुकान से बैग लेके गई, गुड्स विड्रॉन, उसको भी ड्रॉइंग्स बोलते हैं। और तीसरा मैंने अभी एसेट बताया आपको, जब मैं दुकान का कोई एसेट घर में लेके जाता हूँ पर्सनल यूज के लिए तो उसको भी ड्रॉइंग्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे? यस और नो इफ यू हैव अंडरस्टूड? यस और नो इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, अभी इसको डेफिनेशन को पढ़ो, देखो अभी आप खुद पढ़ो। इफ द ओनर विड्रॉज एनी, देखो वहां पे क्या लिखा है, देखो अभी तीन चीजें लिखी है, कल आपका ध्यान नहीं गया था, अब आपका ध्यान जा रहा है क्या? देखो अभी आपका ध्यान जा रहा है क्या? Any money or any goods or any asset from the business for personal use, it will be called as drawings. अभी समझा? तीनों examples बताए, pocket money, cash, bag, आपका goods और तीसरा TV. Clear अभी? Yes everyone clear? Yes. So 10 जनों ने raise किया, मैं तो 41 लोगों को पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसे मत किया करो यार, सरासर ना इंसाफी है ये, सरासर ना इंसाफी है। हाँ मेरे को थोड़ा तो खुश करो रेस करके, हाँ इतना बस टिक्की तो करने का है और क्या करना है, ठीक है। यूडी बाबा की जय थोड़ी बोलनी है तुमको, फाइन। मेरे पिछले बच्चे सब ऐसे बोलते थे, यूडी बाबा की जय, यूडी बाबा की जय, अभी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। यस, प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस, कैरिड आउट बिजनेस ट्रांजेक्शन, अभी उसको जानने का है कि इस साल भर में उसने कितना प्रॉफिट और लॉस कमाया है, कितना इनकम, कितनी आमदनी प्राप्त की, कितना खर्चा किया है। तो ईयर मतलब क्या होता है? ईयर मतलब अकाउंटिंग ईयर। चलो बच्चा लोग जल्दी फटाफट बता दो, कल जिसको याद है, ईयर कब से शुरू होता है बोलो? हमारे बिजनेस का ईयर कब से शुरू होता है, कौन से डेट से शुरू होता है, कौन से डेट से शुरू होता है? 1 अप्रैल से, एब्सोल्युटली 1 अप्रैल से, अप्रैल फुल डे पे चालू होता है। और खत्म कब होता है? खत्म कब होता है बताओ? खत्म कब होता है? 31st मार्च नहीं बेटा, 31st मार्च। किसने 30th मार्च लिखा है? 31st मार्च होता है बेटा, 31st मार्च। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनेंशियल ईयर बोलते हैं, अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं, फिनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर बोलते हैं इसको, ठीक है। 1 अप्रैल से शुरू होता है, 31st मार्च को खत्म होता है। तो अगर 31st मार्च संडे भी अगर होता है ना, तो भी 31st मार्च को ही खत्म होता है। या 31st मार्च को आपने दुकान भी बंद रखा होगा ना, तो भी 31st मार्च को ही खत्म होता है। ऐसा नहीं कि कभी 30th मार्च को खत्म होता है, 31st मार्च तक ही खत्म होता है एवरी टाइम, ठीक है। ओके, अकाउंटिंग ईयर, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 months वेयर द अकाउंट्स आर बीइंग केप्ट एंड क्लोज्ड बाय द प्रोप्राइटर। बाकी सब बेसिक है, कोई जरूरत नहीं आगे पढ़ने की, ठीक है। आगे पढ़ो, प्रोप्राइटर ने बिजनेस बहुत अच्छा चलाया, पैसे भी कमा लिए, उसको ये भी मालूम पड़ गया कि प्रॉफिट है, कितना लॉस है, सब कुछ मालूम पड़ गया। अब वो जानना चाहता है कि कौन लोग डेटर है, कौन लोग क्रेडिटर है, किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। तो जिससे हमको पैसा लेना बनता है, मतलब मैंने उसको कोई गुड्स उधार पे दिए थे और उससे मेरे को पैसा लेना बनता है, तो उसको बोलते हैं हम डेटर। और जिसको हमको पैसा देना बनता है, उसको बोलते हैं हम क्रेडिटर। तो जैसे हमने बिजनेस में सबसे पहला फोटो देखा था, एक बेचारा आदमी 2-3 कस्टमर को उधार पे गुड्स दे रहा था, तो जो उधार पे उसने गुड्स दे दिए, तो वो
बिजनेस के लिए डेटर हो जाएंगे, मतलब उनसे पैसा लेना है, और हमारे मार्केट में दो लोग हैं जिससे हम हमेशा गुड्स उधार पे खरीदते हैं, जो हमेशा हमको बोलते हैं सर सोनू तुला माजवर भरोसा नहीं गा, वो भरोसे से हमको गुड्स दे देते हैं और हमको कभी ना कभी उनको पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो डेटर मतलब जिससे पैसे लेने हैं और क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे देने हैं। तो जैसे कि मैं अगर आप बोलूं ये 41 के 41 बच्चे सॉरी हाँ प्लीज आप दिल पे मत लेना हाँ, बट लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ ये, तुम ये 41 के 41 बच्चे जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, तुम मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 10-15 दिन के बाद आपने मेरी एडमिशन कंफर्म कर दी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ तुम सब डेटर हो मेरे? क्या मैं बोल सकता हूँ तुम सब मेरे डेटर हो? यस, आपने किसी ने पेमेंट नहीं किया मेरे को तो मैं क्या बोल सकता हूँ तुम सब डेटर हो? हाँ, तो क्या आपकी नजरिए से मैं क्रेडिटर हूँ? बताओ बताओ, ये दिल पे पत्थर रख के बोल ही दो यार, ये दिल पे पत्थर रख के बोल ही दो, क्या आपके नजरिए से मैं क्रेडिटर हूँ? बताओ, अरे बोलो ना यार, इस पे तो बोलो हाँ या ना, इस पे तो बोलो, क्यों पैसों की बात आती है तो कुछ करते ही नहीं हो तुम, तो यार ऐसे कैसे करते हो यार, हिंट दो लखनऊ ना दो, हां ऐसे नहीं करने का। हाँ ओके फाइन, यस थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है। चलो मतलब हम दोनों में प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो गया फीस के मामले में, आप मेरे डेटर हो और आपके नजरिए से मैं क्रेडिटर हूँ, ठीक है ओके क्लियर। आप मेरे डायरेक्ट डेटर नहीं हो, आपके पेरेंट्स मेरे डेटर है देखा जाए तो, लेकिन आपने सर्विस ली है ना तो मैं आपके नाम पे ही बिल फाड़ूंगा, करेक्ट, आपके नाम पे ही बिल फाड़ूंगा, फाइन यस बच्चा लोग, यस क्लियर क्लियर यस, क्योंकि आप अभी तक कमा नहीं रहे हो ना, तो मैं आपको डायरेक्टली डेटर क्रेडिटर नहीं, बट आपके पेरेंट्स को तो बोल ही सकता हूँ मैं, ठीक है चलो ओके नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे हमने कल कॉन्सेप्ट्स के चैप्टर खत्म किए थे, अभी मुझे है ना मैं रैंडमली है ना कोई अभी मुझे आपको बताना है, जो फोटो आपको दिख रहे हैं फोटोज उसमें आपको बताने हैं क्या ये आपको लगता है एसेट है, क्या आपको लगता है ये लाइबिलिटी है, क्या आपको लगता है ये इनकम है, क्या आपको लगता है ये एक्सपेंडिचर या कैपिटल है, बताओ मुझे बताओ सब सारी चीजें। पहला सुनो, मैंने सुनो फोटो से आपको सब चीजें समझाऊंगा भी और फिर आप मुझे बताओगे भी क्या ये मेरे खर्चा है, इनकम है, क्या एसेट है, क्या एक्सपेंडिचर, जो आपको बोलना है बताना है, लाइबिलिटी है, ठीक है। सुनो, मैं एक कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करता हूँ, पहला फोटो के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे पहला फोटो, ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, आपको पॉइंटर ऑप्शन करता हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन भी करूंगा और फिर आप मुझे फटक से जवाब दे दोगे, ठीक है, अभी नहीं चैट पे नहीं, फटक से जवाब दे दोगे, ठीक है ओके। सुनो, पहला वाला मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, मेरे पास 100 लोग काम को है, 100 लोग मेरा बिल्डिंग बनाते हैं और फिर मैं उनको पगार देता हूँ, उसको बोलते हैं वेजेस, क्या बोलते हैं उसको, वेजेस, ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा, मैंने मेरे को है ना, एक दिल्ली में मेरा एक व्यापारी है, दिल्ली में एक व्यापारी है, कस्टमर है, जो भी है, उसको मुझे एक है ना लेटर भेजना था, लेटर भेजना था या कुछ एक डॉक्यूमेंट भेजना था, तो मैंने कोरियर किया 100 रुपए का, या फिर मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट किया 100 रुपए का, उसको बोलेंगे पोस्टेज 100 रुपए का, ठीक है, बिजनेस का ही खर्चा है, वो मैंने बोल दिया बिजनेस के लिए किया, सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला, बिजनेस के लिए किया, बस ये बोला मैंने, ठीक है। मैंने अपनी जगह जहां पे मैं काम करता हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरा एक ऑफिस है छोटा सा, सीए का ऑफिस है, तो वहां पे मेरी जगह भाड़े की है, तो मैंने अपने ओनर को रेंट दिया, मैंने अपने ओनर को रेंट दिया ऑनलाइन, ठीक है, बस इतना मैं बोलूंगा। मेरे पास जहां मैं काम करता हूँ, मेरा जो ऑफिस है, मेरा खुद का जो ऑफिस है, वहां पे एक लैंडलाइन है, उस लैंडलाइन का बिल आया था मेरा 600 रुपए, वो 600 रुपए मैं BSNL के ऑफिस में जाके भरता हूँ, बस। मेरे पास मेरा एक सीए का ऑफिस है, वापस सीए के ऑफिस में मेरे को कैलकुलेटर लगता है, मेरे को ये पेन पेंसिल लगते हैं, जो ज्यादा यूज नहीं होता, पेन पेंसिल कितना, 1-2 महीने के लिए यूज होता है, सीजर्स है, ये छाट छुट मैं मुंह से नहीं बोला, ये छाट छुट चीजें मुझे लगती है, रबर, इरेजर, डायरिया, पेन पेंसिल, सीजर, कैलकुलेटर, ऐसी छोटे मोटे चीजें लगती है, ठीक है, जो मैं ज्यादा यूज नहीं, ज्यादा 2-3 महीने यूज होता है, खराब हो जाता है, फेंक देता हूँ, वापस नई चीज ले लेता हूँ, ठीक है, कंटिन्यूसली खरीदते रहता हूँ ये, ठीक है, और इसके ऊपर मेरे को बिल आता रहता है, सपोज हर 2 महीने में 500 रुपए का खर्चा आता है इसका, 500 रुपए का अमाउंट आता है, सॉरी। अब भी बताओ ये सारी चीजें, अब मैं सबको अनम्यूट करूंगा एक ही टाइम पे और मुझे एक साथ जवाब चाहिए, ठीक है, एक साथ
क्या आपको लगता है ये सारी चीजें इनकम है, एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है, एसेट है, क्या लाइबिलिटी है? ठीक है, मैं सबको अनम्यूट करूंगा, फटाक से जवाब देना, ठीक है? चलो सबको अनम्यूट करूंगा मैं और फटाक से मुझे जवाब चाहिए। रुको एक मिनट, अनम्यूट करतोय मी तुम्हाला आता। बोलो 1 2 3 बोलो क्या ये एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर एब्सोल्युटली राइट बच्चा लोग, एब्सोल्युटली राइट, ऑल आर एक्सपेंडिचर राइट, दीज आर माय सर। चलो आप अपने आप को म्यूट कर लो, सब अपने आप ही म्यूट कर लो अभी सब। चलो कैपिटल इज नथिंग बट व्हिच इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस एंड ये रेंट, वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सारे एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, ओके, इट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। मैंने सबको बोला म्यूट करने के लिए, नहीं करते हो, मैं ही करता हूँ। ओके, आगे नेक्स्ट फोटोज, अभी नेक्स्ट फोटोज आएंगे, हाँ ठीक है, बताओ नेक्स्ट फोटोज आएंगे। देखो सुनो बच्चा लोग, सुनो, मेरा ऑफिस में मेरी फैक्ट्री है बहुत बड़ी, ठीक है, और फैक्ट्री में जहाँ पे वॉश बेसिन है ना, वॉश बेसिन, फैक्ट्री की वॉश बेसिन थोड़ी खराब हो गई, ठीक है। मैंने प्लम्बर को बुलाया और उसको बोला प्लीज ठीक कर इसको, ठीक है, प्लम्बर को बुलाया और बोला ठीक कर इसको, तो उसने ठीक किया, बोला कि 1000 रुपए, मैंने 1000 रुपए उसको दे दिए। मेरी फैक्ट्री की बिल्डिंग का एक वॉल जो है, वॉल खराब हो गया था, वॉल ये वाला बता रहा हूँ, वॉल, ठीक है, दीवार खराब हो गई थी, बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, तो वो गिरने आने वाली थी, तो मैंने इमीजिएटली एक इंजीनियर को बुलाया और उसको बोला प्लीज इसकी थोड़ी मरम्मत कर ले। उसने ये मरम्मत की और फिर बोला कितना, बोला सर 5000 रुपए, मैंने 5000 दे दिए। मेरे अपने फैक्ट्री में कंप्यूटर थे और ये मेरा क्या है, मेरा क्या है ये इसको क्या बोलते हैं अपन, बोलो ना क्या बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं सीपीयू, सीपीयू बोलते हैं ना, बरोबर ना, सीपीयू खराब हो गया था मेरा, कंप्यूटर थोड़ा बिगड़ गया था। मैंने कंप्यूटर रिपेयर वाले बंदे को बुलाया, बोला आ इसकी थोड़ी मरम्मत कर ले, ठीक कर ले। तो उसने थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स यूज किए, सर्विस रेंडर किया उसने मुझे, और मैंने उसको बोला कितना पैसा, तो उसने बोला सर 800 रुपए लगेंगे, तो मैंने 800 रुपए दे दिए। मेरी फैक्ट्री में कोई एक मशीनरी है वो खराब हो गई थी, मेरी फैक्ट्री में एक मशीन है वो खराब हो गई थी, मैंने एक इंजीनियर को बुलाया मरम्मत करने के लिए, तो उसने मरम्मत की और उसने, मैंने उसको बोला कितने पैसे, तो उसने बोला सर 12000 रुपए लगे, तो मैंने कहा ठीक है 12000 रुपए मैंने दे दिए। चलो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ और बताओ ये क्या मेरे एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंडिचर है, क्या इनकम है, ठीक है। एक एक करके मैं आप सभी को, एक नहीं सबको एक साथ अनम्यूट कर दिया, बोलो क्या है ये मेरे, बताओ नाम क्या बोला जाएगा, बोलो टेल मी इसको नाम क्या बोला जाएगा, बताओ लाइबिलिटी बोला जाता है इसको अपन रिपेयर एंड मेंटेनेंस बोला जाता है। देखो ध्यान से बच्चा लोग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर मेंटेनेंस बिल्डिंग का है, मशीनरी का है, मोटर कार का है या कंपनी का है, ये सारे के सारे मेरे खर्चे होते हैं। सुनो जब तक मैं ये खर्चा करूंगा नहीं तब तक क्या ये मेरा एसेट चलेगा, बताओ, जब तक मैं ये खर्चा करता नहीं हूँ तो क्या मेरा एसेट चलेगा, नहीं चलेगा। खर्चा करना अनिवार्य है, ये खर्चा करना अनिवार्य है। अगर मैंने ये वॉल को ठीक नहीं किया, कभी ना कभी वॉल गिर सकता है, ये प्लम्बर को मैंने अगर वॉश बेसिन ठीक नहीं की तो वॉश बेसिन नहीं चलेगी या लीक हो जाएगा, जब तक मैं ये यूपीएस को ठीक नहीं, सीपीयू को ठीक नहीं करता हूँ तब तक मेरा कंप्यूटर नहीं चलेगा, और जब तक मैं मशीनरी को ठीक नहीं करता हूँ तो मेरी मशीनरी नहीं चलेगी। तो मेरा ये खर्चा है, रूटीन खर्चा है जो मेरे को करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबको मैं अनम्यूट करता हूँ, म्यूट करता हूँ, सॉरी। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट बताओ ये क्या है, मैं अभी और इसको डिटेल नहीं करूंगा, मुझे इसका चैट में जवाब दो। ये सारी चीजें मैंने खरीदी है बिजनेस के लिए, ये क्या है मेरे, बताओ, कम ऑन चैट में जवाब दो मुझे, कम ऑन टेल मी, व्हाट डू यू बिलीव, दीज आर माय एसेट्स लाइबिलिटीज, क्या है ये मेरे? आहा, क्या बात है, मैं मर जावा, सबने एक ही जवाब दिए, क्या बात है यार, आई लव यू ऑल, एब्सोल्युटली लव यू ऑल,
सबने बोला है सर ये मेरे एसेट्स है, क्या बात है, चलो मेरी बात आप तक पहुंच रही है, दैट्स गुड। बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, कंप्यूटर, टेबल, कुर्सियां, स्टॉक, मेरा खुद का वैनिटी कार, मेरा टेबल, मेरे ये कंप्यूटर, मेरा ये कैश बॉक्स, मेरा बैंक बैलेंस, मैंने किसी को लोन उधार पे दिया है, मेरा स्टॉक, मेरा कैश, ये सारे के सारे मेरे एसेट्स है। एब्सोल्युटली राइट बच्चा लोग, एब्सोल्युटली। ये देखो आप बताओ, ये मुझे हाँ सब चैट पे जवाब दोगे, ये गुड्स मैंने उधार पे दिए हैं, ये मैंने पैसे उधार पे दिए हैं, और उनको बोले ये पैसे मुझे लौटाना इंटरेस्ट के साथ। ये बेचारा एक एम्प्लॉय है, मेरे आंखों के सामने हाथ जोड़ रहा है, बोला प्लीज प्लीज मेरे को है ना कुछ पैसा है ना, मेरा 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 शादी होने वाला है, मेरा शादी होने वाला है, तो प्लीज मुझे कुछ सैलरी एडवांस दे दो, मुझे प्लीज एडवांस दे दो, मैं आपको ये पैसे बाद में लौटाऊंगा। तो मैं बॉस हूँ, मैंने उसको 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी। नेक्स्ट जो जो दूसरा बंदा है वो बोलता है कि सर मेरे को घर लेने का है, तो प्लीज मुझे थोड़ा लोन दे दो ना, लोन, तो मैंने उसको लोन दे दिया। ठीक है, तो बताओ ये सारे क्या है मेरे, ये बताओ क्या है मेरे, क्या ये मेरे खर्चे हैं, क्या ये मेरा एसेट है, क्या मेरी ये लाइबिलिटी है, क्या है, आपको क्या लगता है? एंड आई एम श्योर इसमें बहुत जन लोग गलत जाएंगे, मुझे मालूम है इसमें बहुत जन लोग गलत जाएंगे। लेट मी सी कौन सही जा रहा है, लेट मी सी, क्या है ये मेरे, क्या है ये मेरे लाइबिलिटीज है, मैंने तो पैसे उनको दे दिए, मेरे लिए लाइबिलिटी कैसे, मैंने उनको पैसे दिए, मैंने उनको पैसे दिए हैं, मैंने उनको है ना डेटर्स, एक जन ने डेटर्स दिया और राज कटारिया ने शायद सही भी बोला है, एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है, मेरे को उसका क्या लाभ हुआ बेटा। These are also assets. कार्तिक पोपटानी सही, ऋषिता सही, बहुत कम लोग सही है, बता देता हूँ कैसे, समझो समझो बच्चा लोग, समझो बच्चा लोग, सुनो सुनो सुनो, आज मैं आपको पहली विशेष टिप्पणी के बारे में बता रहा हूँ, विशेष टिप्पणियां। मैं हर चैप्टर में कुछ विशेष टिप्पणियां लेके आऊंगा, मतलब स्पेशल नोट्स, समझ के लो बच्चा लोग, सुनो सुनो। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, ये सबसे पहली विशेष टिप्पणी है। आपने अगर अब तक नोटबुक शुरुआत नहीं की है लिखने की, तो सबसे पहली नोटबुक में शुरुआत लिखो। विशेष टिप्पणी नंबर वन, VT1, उसको बोलते हैं अपन VT1, विशेष टिप्पणी नंबर वन VT1, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एन एसेट, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसेट। जब मैंने ये गुड्स उधार पे दिए थे इस इन इन औरतों को या इन इन मर्दों को, और इनको मैंने क्या बोला, ये आप गुड्स लेके जाओ, इसके पैसे आप मुझे बाद में दे देना, ये लोग मेरे डेटर हो गए। एब्सोल्युटली राइट, ये लोग मेरे डेटर हो गए, लेकिन क्या ये डेटर से मुझे पैसे मिलने वाले हैं, यस और नो? क्या ये अमाउंट रिकवरेबल है कि नहीं, यस और नो, कम ऑन टेल मी, क्या ये पैसे रिकवरेबल है, यस और नो? यस। तो एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, तो मेरे डेटर्स मेरे एसेट होते हैं। सुनो, माय डेटर्स आर माय एसेट, पहली चीज। दूसरा, मेरा ये फ्रेंड आया था, उसने मुझे पैसे मांगे, मैंने उसको पैसे दे दिए और बोला कि इस पैसों का भुगतान तू मुझे भले 2 महीने के बाद देना, 5 महीने के बाद देना, इंटरेस्ट के साथ देना। तो बताओ, जो मैंने ये पैसे अपने दोस्तों को दिए हैं, तो ये क्या पैसे मुझे वापस मिलने वाले हैं क्या नहीं, क्या ये पैसे मुझे रिकवरेबल है क्या नहीं, क्या ये पैसे रिकवरेबल है क्या नहीं, यस और नो प्लीज बता दो ना यार, प्लीज यस। तो क्या मैं बोल सकता हूँ एनी अमाउंट रिकवरेबल इज एन एसेट, तो लोन गिवन टू माई फ्रेंड इज एन एसेट, कम ऑन टेल मी, क्या मैं बोल सकता हूँ लोन गिवन टू माई फ्रेंड इज एन एसेट, बताओ यस और नो? यस। आगे, ये जो बंदा मेरे सामने भीख मांग रहा है, मेरा एम्प्लॉय बोल रहा है सर मेरी शादी होने वाली है, प्लीज प्लीज आप मुझे सैलरी एडवांस में दे दो, मैंने उसको 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी, उसने अभी तक काम नहीं किया है, अगले 3 महीने, 3 महीने एडवांस में सैलरी दे दी, उसकी सैलरी थी 20,000 रुपए, एग्जाम्पल 3 महीने के बनते हैं 60,000 रुपए, मैंने उसको 60,000 रुपए सैलरी एडवांस दे दी, सुनो सैलरी एडवांस। लेकिन ये इंसान ने बगावत की मेरे साथ, बताओ ये इंसान ने मेरे साथ बगावत की, इसको जैसे ही मैंने 60,000 रुपए दे दिए, ये भाग गया, ये वापस मुड़ के आया ही नहीं, और मैंने पीछे से गाना गाया, दगाबाज रे हाय दगाबाज रे, उतोरे ने ना बड़े दगाबाज रे, और दगाबाज 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 रे, उतोरे ने ना बड़े दगाबाज रे। इसने दगा दिया मेरे को,
बहुत बड़ा दगा किया और मैंने इसको मार्केट में देख लिया, मैंने इस मार्केट को देख लिया और मुझे इसको अभी कोर्ट में घसीटना था, इस प्रपंची इंसान को मुझे कोर्ट में घसीटना था, मुझे युद्ध नहीं लड़ना था। प्लीज, हाँ महाभारत से इंस्पायर्ड हूं मैं आजकल, लेकिन हर चीजों के लिए मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं इसके ऊपर मान हानि का दावा करूंगा। क्यों? क्योंकि एक तो हाथ जोड़ के आया था मेरे पास, बोला प्लीज मुझे सैलरी एडवांस दे दो, मैंने उसको 3 महीने का सैलरी एडवांस दे दिया, अब मुझे इसको कोर्ट में घसीट करने का है। तो कोर्ट में घसीट करने के लिए मैं किसको अपॉइंट करूंगा? बोलो अपने क्लास में कौन है जो एकदम मुस्कुरा के हमारे केस लड़ सकती है? बोलो कौन है हमारा जो कोर्ट में हमको हमारा मदद कर सकता है? बोलो कौन है अपना? संध्या बिंदनी, यस हमारी एडवोकेट संध्या बिंदनी। संध्या बिंदनी के पास अपन जाएंगे और संध्या बिंदनी को बोला ये जो दगाबाज इंसान है ना, इसको कोर्ट में घसीट कर। और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ केस? क्यों मैं कोर्ट में लड़ रहा हूँ? पैसे वापस लेने के लिए ना, पैसे वापस लेने के लिए। बोलो यस और नो, मैं कोर्ट में क्यों जा रहा हूँ बताओ? रिकवर कैश। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सैलरी एडवांस इज एन अमाउंट रिकवरेबल? क्या मैं बोल सकता हूँ सैलरी एडवांस इज एन अमाउंट रिकवरेबल? तो क्या मैं बोल सकता हूँ सैलरी एडवांस इज एन एसेट? क्या मैं बोल सकता हूँ सैलरी एडवांस इज एन एसेट? यस और नो? यस नो? सैलरी एडवांस इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एसेट ना। मुझे आगे जाके इसके पैसे मिलने वाले हैं आगे जाके, अगर ये दगाबाज निकला तो। अगर ये दगाबाज नहीं निकला तो आगे जाके सैलरी एडवांस कैसे हो जाएगा? 3 महीने बेचारा आगे काम करेगा और मैं उसको एक ही पैसा नहीं दूंगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? क्लियर। वैसे ही ये जो दूसरा ये जो एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई कौन है बता देता हूँ मैं। ये है, हाँ हाँ हाँ, ये है कौन? अपना अनुराग। अरे अनु मेरे इधर काम करता था, अनुराग। अनुराग को है ना घर खरीदना था, अनु को घर खरीदना था। क्यों? क्योंकि उसको दो दो बीवियां संभालनी है ना, प्रेरणा भी संभालनी है, कोमोलिका भी संभालनी है, दो दो बीवियां संभालनी है, तो उसको बड़ा घर चाहिए ही था। और कोमोलिका के खर्चे तो तुमको मालूम है कैसे हैं करके, बेचारे को लोन चाहिए। तो मेरा अनुराग गुगड़े मुझे पैसा मांगने आया, लोन मांगने आया कि सर मुझे प्लीज लोन दे दो। तो मैंने उनको लोन दे दिया और ये लोन मैं कभी ना कभी उससे पैसे ले लूंगा, रिटर्न ले लूंगा। तो एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, दीज आर ऑल माई एसेट्स। क्लियर? ये देखो ये सारे के सारे मेरे एसेट्स है, सुन के लो, देख के लो, एक बार ध्यान से लिखो प्लीज, लिख के ले लो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स, लोन गिवन, एडवांसेस गिवन और एनी एक्सपेंस पेड इन एडवांस प्रीपेड इज कॉल्ड एसेट। जैसे कि मैंने सैलरी एडवांस में दिया है, तो इट विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, इट विल बी कॉल्ड एज प्रीपेड सैलरी, एडवांस सैलरी, तो इट विल बी कॉल्ड एज एसेट, इट विल बी कॉल्ड एज एसेट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिख के लो। मैं कोई पहली चीज आपको बोल रहा हूँ कुछ लिखने के लिए, अब तक मैंने आपको कोई भी चीज लिखने के लिए नहीं बोली थी, प्लीज लिख के लो इसको। मैं गाना कैसे गाता हूँ, बहुत बुरा गाता हूँ ना, मुझे मालूम है, बट क्या करूँ यार, गाना गाने की इच्छा होती है। कामगार लोग मेरे एसेट्स नहीं है बच्चा लोग, कामगार लोगों को अगर मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ एडवांस में तो उसको एसेट बोलते हैं। कामगार लोग मेरे एसेट नहीं, मेरा उनके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं, और मैं ओनर नहीं हूँ बच्चा लोग, मैं ओनर नहीं हूँ उनका, मैं ओनर नहीं हूँ, वो तो बेचारे सब काम करने आते हैं मेरे इधर। ठीक है, तो जैसे आप बोलते हैं ना, आप इंसानों को खरीद नहीं सकते हो, हाँ आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हो लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट को परचेस नहीं कर सकते हो। आप कामगार लोगों की सर्विस ले सकते हो लेकिन कामगार लोगों को खरीद नहीं सकते हो आप, हाँ आप उनको दास बना सकते हो, आप उनको सर्वेंट बना सकते हो लेकिन आप उनका ओनर नहीं हो सकते हो यार। ठीक है, क्लियर, लिख के लिया। अच्छा एक और एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ इसको और समझने के लिए, और अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी। सुनो, ओके,
यस एवरीवन डन विद दिस ओके सुनो ध्यान से 11:44 हो गया ठीक है नो प्रॉब्लम एक 5 मिनट बस मुझे और कुछ नहीं लेना है 5 मिनट ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है सुनो ध्यान से आपको 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 क्या बताऊं सिंपल सा कोई चीज बता देता हूं ओके ठीक है डन सुनो सुनो ध्यान से आप आपने घर में एक इंटरनेट लगवाया आपने घर में एक इंटरनेट लगवाया इंटरनेट का नाम था रेल वायर कोई एकदम कोई तो कोई एकदम बहुत ही नई नई कंपनी थी जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं था बट वो ऑफर बहुत अच्छा दे रही थी वो ऑफर बहुत अच्छा दे रही थी वो बोल रही थी अनलिमिटेड डेटा मिलेगा आपको महीने भर में अनलिमिटेड 5 Mbps की स्पीड 10 Mbps की स्पीड मस्त स्पीड रहेगी एकदम जबरदस्त 50 Mbps की 500 Mbps की जो भी है और आपने वो इंटरनेट लगवाया सुनो ये एग्जांपल आपको समझ को समझेगा अच्छे से ठीक है ओके सुनो ध्यान से घर में नहीं अभी मैं बिजनेस के बारे में बात करूं क्योंकि हम बिजनेस के नजरिए से सोच रहे हैं ठीक है बिजनेस में आपने एक बहुत बड़ा फास्ट स्पीड इंटरनेट लगवाया ठीक है जो बिजनेस में आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो पर्सनल यूज के लिए नहीं पबजी खेलने के लिए ना ही काफी वेब सीरीज देखने के लिए ठीक है उसके लिए नहीं ठीक है बिजनेस के पर्पस के लिए और आपको एक कोई नई कंपनी दिख गई है जो इंटरनेट आपको दे रही है सस्ते में दे रही है उन्होंने आपको कहा कि महीने के 500 रुपए लगेंगे महीने के 500 और साल भर के सिर्फ 2000 साल भर के 2400 महीने के 500 और साल भर के 2400 साल भर के 2400 ठीक है सुनो ध्यान से हम तो मतलब अगर महीने का पड़ा तो 500 रुपए अगर मैं साल भर का दूंगा तो महीने का कितना खर्चा आएगा बताओ 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 ये तो बहुत होशियार हो आप लगाओ बताओ अगर महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लिया तो 500 अगर साल भर का लिया तो 2400 रुपए साल भर का 2400 तो पर महीना कितना लगा पर महीना कितना लगा बताओ ना पर महीना कितना लगा बताओ अरे पर महीना 2400 डिवाइडेड 12 रे बाबा 2400 डिवाइडेड 12 कितना हुआ 2400 डिवाइडेड 12 200 रुपए लगे हम तो आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ 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 आपके दिमाग में क्या आएगा आप 500 रुपए महीने का भरोगे या एक साथ 2400 दे दोगे बताओ बताओ बोलो बोलो आप क्या करोगे बताओ क्या करते अपन बताओ क्या करोगे 2400 भरोगे ना पूरे साल भर का जैसे वो जिम वाले कैसे आपको उल्लू बनाते जिम वाले भी ऐसे उल्लू बनाते ना आपको हाँ जिम वाले भी ऐसे उल्लू बनाते ना हाँ महीने के 2000 और साल भर के कितने हाँ साल भर के 10,000 रुपए आप क्या कर लेते हो 10,000 दे देते हो और आप जाते के जिम में नहीं जाते एक महीना जाते हो उसके ऊपर नहीं जाते और उनको प्रॉफिट मिलता है बराबर ओके वैसे ही आपने यहाँ पे लेकिन सोच लिया आपको इसको मालूम है आप तो यूज करने वाले ये तो चीज खराब नहीं होने वाली ये तो आप यूज करने वाले ठीक है तो आप क्या करोगे 2400 का सब्सक्रिप्शन लोगे ठीक है क्लियर तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जिस दिन आपने पहले दिन ही आपने जब 2400 भरे तो क्या मैं बोल सकता हूँ अपने पूरे 12 महीने के एडवांस में भरे यस और नो कम ऑन टेल मी क्या मैं बोल सकता हूँ आपने पूरे 12 महीने के एडवांस में भरे यस और नो यस बोल सकते हो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एडवांस इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है क्या इसको मैं बोल सकता हूँ एडवांस इंटरनेट सब्सक्रिप्शन है 2400 ठीक है क्लियर ओके क्लियर यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक क्लियर ठीक है एक महीना गुजर गया एक महीना पूरा यूज किया एक महीने खत्म होने के बाद क्या मैं उस दिन आपको बोल सकता हूँ आपने 11 महीने का एडवांस दिया क्या मैं उस दिन बोल सकता हूँ 11 महीने का एडवांस दिया यस और नो कम ऑन टेल मी क्या आपको बोल सकता हूँ यस और नो ओके यस एब्सोल्युटली राइट एक महीना और गुजर गया मतलब टोटल 2 महीने गुजर गए अभी कितने हो गए टोटल 2 महीने गुजर गए हैं तो क्या मैं उस दिन आपको बोल सकता हूँ आपने 10 महीने का एडवांस दिया यस और नो क्या मैं उस दिन बोल सकता हूँ आपने 10 महीने का एडवांस दिया यस और नो प्लीज हेलो यस यस 10 महीने के हिसाब से आप मुझे बता दो 10 महीने के हिसाब से कितना एडवांस जा चुका है 10 महीने के हिसाब से उस 2400 में से अभी कितना एडवांस रहा हुआ है बताओ 10 महीने के हिसाब से कितना बचा है कम ऑन ये सब जवाब मुझे दोगे आप कितनी अमाउंट एडवांस पड़ी है कम ऑन सब टेल मी 2000 रुपए कैसे सर 2400 में से 2 महीने का यूज किया है 400 रुपए गए अभी भी 2000 रुपए एडवांस पड़े हैं सुनो हाँ 2 महीने जैसे खत्म हुए सुनो ध्यान से 2 महीने जैसे खत्म हुए सुबह को आपने पेपर में सबसे पहले पेज पे हेडलाइन देखी
सपोज उस इंटरनेट का नाम था, इंटरनेट की कंपनी का नाम था, इंटरनेट कंपनी का नाम था सपोज FCL, FCL नाम था उसका FCL, और सुबह सुबह आपने हेडलाइन देखी FCL की फर्जी कंपनी लोगों के पैसे लेके भाग गई, लोगों के पैसे लेके खा गई, और इनके सर्विसेज आज से बंद, गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करने वाली है। ये एक फर्जी कंपनी थी जिन्होंने लोगों को है ना प्यार में बहला घुसा के पूरे साल भर के सब्सक्रिप्शन लिए, 2 महीने के सर्विस दिए, और अभी ये फर्जी कंपनी हो गई है। गवर्नमेंट इसके ऊपर निर्णय लेने वाली है क्या करने का है। अब बताओ आपका क्या होगा मेरे बच्चे, सामने वाले ने तो षड्यंत्र रच दिया था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये लॉस? अरे सिद्धांत तू तो अभी से ही हार मान लेगा। क्या तुम हार मान लोगे क्या उस फर्जी कंपनी के अगेंस्ट केस लड़ोगे? बताओ क्या तुम हार मान लोगे क्या उस फर्जी कंपनी से केस लड़ोगे? बताओ, कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाने के लिए आपको सबसे बड़ा है ना आपके पास, हमारी है ना संध्या बिंदनी, जो हमेशा हमेशा आपको ना जिताएगी केस। ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल, कभी भी क्विट नहीं करने का, इतना जल्दी क्विट नहीं करने का, ऑल इज वेल बोलने का। अब बताओ उस कंपनी से, फर्जी कंपनी से आप कितने पैसे वापस मांगोगे? बताओ उस फर्जी कंपनी से आप कितने पैसे मांगोगे? बताओ, टेल मी, कितने पैसे मांगोगे? बताओ कितने पैसे मांगोगे? 2000 मांगोगे, 2000 मांगना आपका हक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगेन, एनी एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड इज ऑल्सो एन एसेट? क्या मैं बोल सकता हूँ एनी एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड इज ऑल्सो एन एसेट, यस और नो? एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट, यस और नो? अभी क्लियर? और अच्छे से क्लियर प्लीज? अभी तो मुझे सब रेस चाहिए हैंड्स, मुझे 40 के 40 जनों के रेस हैंड चाहिए। कम ऑन, टेल मी, क्लियर? यस, एग्जांपल पसंद आया? बहुत सबको पसंद आया, मजा आया आपको इस एग्जांपल से भी? चलो आपको मैं धीरे धीरे ही सिखाऊंगा, लेकिन अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग। हम धीरे धीरे सब सीखेंगे भी, धीरे धीरे समझेंगे भी, डोंट यू वरी ऑन दैट। पोर्शन धीरे धीरे करेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा अपना पोर्शन, ठीक है? चाहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जो भी हो, सब अच्छे से होगा। बट बेस्ट थिंग इज दैट आज आपको हर चीज, कोई नई चीज सीख रही है, वो अंदर से आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने कभी चीजें, कभी 10th तक सीखी थी आपने कभी कुछ? ये कोई 10th तक सीखी थी आपने, यस और नो, कभी सीखी थी आपने इसके बारे में? नहीं सीखी है ना? ये सब आपको एक नया सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको नई चीजें सीखने का। और जो हमारे इधर क्लास कर रहे हैं, बाकी जन क्लासेस नहीं कर रहे, उनके सामने ऐसे कॉलर टाइट करके बोल सकते हैं ना, हमने तो एसेट भी सीख लिया, हमने तो लाइबिलिटी भी सीख लिया, हमने तो एक्सपेंडिचर भी सीख लिया, इनकम भी सीख लिया, और हमने तो विशेष टिप्पणी भी सीख ली। एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन, बताओ ना यार, एनी अमाउंट रिकवरेबल इज ऑल्सो एन एसेट। हाँ, जलाओ उनको जो जलाने का है, हाँ, नमक डाल के जलाओ, मिर्ची डाल के जलाओ, जो तुमको जलाने का जलाओ, हाँ, ठीक है, मजा आएगा अपने आप को, ठीक है? ओके, चलो फाइन, अभी रुको, जाने का नहीं है अपने को, मुझे है ना 3-4 जनों 5 जनों से बात करनी है, ठीक है? Who will voluntarily introduce themselves today? Who will voluntarily introduce themselves to me today? Yes. Who will voluntarily introduce themselves today? Voluntarily कौन बोलना चाहेगा? Come on, please, बच्चा लोग, सबका थोड़ी हुआ introduction, बहुत जनों के pending है, come on. बताओ सर, वो एग्जाम्पल रिपीट करो ना प्लीज। मैंने बताया ना एग्जाम्पल बेटा इंश्योरेंस का, ये रिकॉर्डेड है लेक्चर, ये रिकॉर्डेड है, मैं इसका ऑडियो भेज देता हूँ मैं, ठीक है? तनिष्का गुगड़े, 1 सेकेंड।